यूपी के कुख्यात बदमाश रहे मुकीम काला गैंग पर योगी का बुलडोजर चला है। जहां मुकीम काला गैंग के पनाहगार के द्वारा तालाब के 3.5 बीघा भूमि पर कब्जा किया गया था, वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा भूमि पर बुलडोजर चलाकर भूमि को कब्जा मुक्त किया गया और इसके साथ ही नगर पालिका के यात्री प्रतीक्षालय पर खड़े किए गए अवैध निर्माण को भी प्रशासन ने ध्वस्त किया। यूपी में योगी 2 सरकार में केराना में लगातार 3 दिन से अपराध अवैध कारोबारियों के खिलाफ बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। गुरुवार को SDM संदीप कुमार के नेतृत्व में राज्य विभाग में पुलिस की टीम ने बुलडोजर लेकर गांव जहानपुर पहुंची, जहां पुलिस प्रशासन ने गांव जहानपुरा निवासी जाबिर मुखिया पुत्र आबिद नामक व्यक्ति के द्वारा तालाब के करीब 6.5 बीघा कब्जाई गई थी। इस भूमि पर बुलडोजर चलाया गया और उसे मुक्त किया गया। पुलिस प्रशासन ने भूमि के चारों ओर खाई खुदवा कर मेंढबंदी कराई है, साथ ही भूमि को अपने कब्जे में लिया है। तो वही दूसरे मोहल्ला बिसातियान स्थित खुरगान रोड पर नगर पालिका के यात्री प्रतीक्षालय पर बनाए गए अवैध निर्माण को भी बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। जहां आपको बता दें कि तत्कालीन समाजवादी सरकार के दौरान मुकिल काला गैंग का पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों में अपराध का बोलबाला है। मुकिम गैंग के द्वारा कैराना में व्यापारी से खुलेआम रंगदारी मांगी गई थी, रंगदारी न देने पर व्यापारियों की हत्या कर दी जाती। तो वही बताया गया कि मुकिम काला सहित अन्य गुर्गों को शातिर जाबिर मुखिया पनाह देता है। बाद में मुकीम काला गैंग से किसी को लेकर जाबिर का मनमुटाव हो गया था, तो वही इसके बाद मुकीम काला गैंग में जाबिर मुखिया के बीच दूरी बढ़ गई। वहीं चित्रकूट जेल में मुकीम की मौत के बाद जाबिर मुखिया लोगों की नजरों में शरीफ आदमी बनकर घूम रहा था। जहां SDM संदीप कुमार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ तहसील कोर्ट में धारा 67 के तहत करीब 14,33,600 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आरोपी के विरुद्ध सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने के मामले में कोतवाली में हल्का लेखपाल यतेंद्र कुमार की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया है। कैराना तहसील में अवैध कब्जों के खिलाफ लगातार हम लोग अभियान चला रहे हैं। आज एक सरकारी जमीन पर जहां पूर्व में विधायक निधि से प्रतीक्षालय बनाया गया था, उस जमीन पर बाद में अवैध दुकानें निर्मित कर ली गई थी, सीमेंट की दुकानें, उस जमीन पर भी आज SDM CO ने जाकर कब्जा लिया है और वहां उन दुकानों को तोड़ा जा रहा है। इसके अलावा एक और बड़ी कार्रवाई जहानपुरा में हम लोगों द्वारा की गई है। जहानपुरा में जाबिर नाम के व्यक्ति ने तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था काफी समय से, उस कब्जे को हटाया गया है। SDM, CO और उनकी पूरी टीम ने जाकर वहां पे बुलडोजर चलाकर कब्जा वापस लिया है।